ये क्रिएटिव एड देखकर हो जाएंगे सोचने पर मजबूर। सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया पर लगातार पेप्सी के एक एड पर विवाद होने के बाद आज उसको वापस ले लिया गया है। इस एड को लिव फॉर नाउ मोमेंट्स एंथम नाम दिया गया था, जो कि 2:40 सेकेंड का था। इसी बात को देखते हुए आज हम आपको भारत में बने हुए कुछ ऐसे एड के बारे में बता रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जिसमें कंपनी अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हुए एक अच्छा एड बनाने में सफल हुई है। मजेदार एड हो चुके हैं वायरल। हम आपको कुछ ऐसे एड के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर आप खुद को एड के बारे में सोचने से रोक नहीं पाएंगे। कुछ कंपनियों ने लोगों और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ मजेदार एड लगवाए थे, लेकिन वो एड ही आज एक क्रिएटिव एड में आ गए हैं। होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर पर लगे इन एड को पढ़कर और देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ सकती है। इसलिए हुआ था पेप्सी के एड का विरोध। इस एड को अश्वेतों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन ब्लैक लाइव्स मैटर से मिलाकर देखा जा रहा है। साथ ही इसको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। केंडल जैनर के पुलिस वाले को पेप्सी पिलाकर शांत करने वाले सीन पर भी विवाद है। दरअसल इस सीन को चुराया हुआ माना जा रहा है। सीन को बिल्कुल उस सीन की तरह से फिल्माया गया है जैसा कि रीयूटर्स फोटो ऑफ द ईयर जीतने वाली फोटो को मिला था। उस तस्वीर में इशी एवंज नाम की महिला पुलिस वालों के सामने पहुंच गई थी। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment. I'm gonna be a little bit.